महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, कुर्सी ना मालो जरना मका चाहते हैं हम, कब महरो माहो काहे कशा चाहते हैं हम, कुर्सी ना मालो जरना मका चाहते हैं हम, हम अहले दिल हैं, हम हैं खरीदार प्यार के, अपने वतन में अमनो अमा चाहते हैं हम, अपने अपनो अमा चाहते हैं हम, कि ऐ अंजुमने गंगो जमन चाहते रहना, खतरे में है फिर अर्ज़े वतन जागते रहना, क्या बात, ऐ अंजुमने गंगो जमन जागते रहना, खतरे में है फिर अर्ज़े वतन जागते रहना, कि हर हर शाख पे लहराते हैं नफरत के शरारे, जल जाए न ये प्यारा चमन जागते रहना, जल जाए ये प्यारा चमन जागते रहना। हजरत उमूमन मुशायरे में खूब गुस्से गुस्से वाली शायरी होती है, लेकिन प्यार की बात पे तो ताली बजाना चाहिए, दाद देनी चाहिए, ताकि जो पिछले एक महीने से मेरे दोस्त दमदार ने इस महफिल को सजाने के लिए मेहनत की है, आज उसका इनाम पाने का वक्त है। आप बड़े महबूब सामईन हैं, आपको हम लोगों ने सीएम एंग्लो बंगाली में भी देखा था कि सारी रात आपने किस तरह उस मुशायरे को सुना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहस के पैगाम चार मिसरा और देखें कि जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का पुराना दे दे, जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, जिसमें मिलजुल के रहा करते थे हिंदू मुस्लिम, वही भारत हमें सदियों का पुराना दे दो, कि जिसमें नफरत के नहीं प्यार के नगमे गूंजे, कुछ न दो हमको वही पिछला जमाना दे दो, कुछ न दो, कुछ न दो हमको वही पिछला जमाना दे दो, कि वो लाख जोर लगाए जुदा ना हम होंगे, कहां से आ गए ये हमको बांटने वाले, वो लाख जोर लगाए जुदा ना हम होंगे, कहां से आ गए ये हमको बांटने वाले, हम उनको दुश्मने कौमों वतन समझते हैं, हम उनको दुश्मने कौमों वतन समझते हैं, ये रिश्ता भाई का भाई से काटने वाले, ये रिश्ता भाई का भाई से काटने वाले, एक बार जोरदार ताली, जोरदार काटने वाले, क्या बात है, इसको फिर से क्या बात है, भाई से काटने वाले, उभरेंगे भी एक साथ तो डूबेंगे भी एक साथ, उभरेंगे भी एक साथ तो डूबेंगे भी एक साथ, हम कौम की यकजहती के धारे में बहेंगे, उभरेंगे भी एक साथ तो डूबेंगे भी एक साथ, हम कौम की यकजहती के धारे में बहेंगे, कि तुम कुछ भी कहो हम तो यही बात कहेंगे, हम एक रहेंगे। आइए इसी मैसेज को हम आगे बढ़ाते हैं कि हरेक अभी ये कोरोना उसके पस मंजर का ये चार मिसरा के हरेक शक्ल में मालिक का कहर करेगा, अभी तो सहले बना शहर शहर करेगा, हरेक शहर में मालिक का कहर करेगा, अभी तो सहले बना शहर शहर उतरेगा, कि जमीन की छाती के सोते भी सूख जाएंगे अगर दिलों में अदावत का कहर उतरेगा, अगर दिलों में अदावत जमीन की छाती सोते भी सूख जाएंगे,
दिलों में अदावत का जहर रहेगा, अगर दिलों में अदावत का जहर रहेगा, अगर दिलों में अदावत का जहर रहेगा। यहां से फिर मिजाज को बदलते हैं कि किसी को जब्र करने की, सितम ढाने की आजादी, किसी को जब्र करने की, सितम ढाने की आजादी, किसी से छिन गई रोने की चिल्लाने की आजादी, किसी से छिन गई रोने की चिल्लाने की आजादी, किसी को है ये गम वो अपना हिस्सा भी नहीं पाता, किसी को है ये गम वो अपना हिस्सा भी नहीं पाता, और किसी को दूसरों का हक हड़प जाने की आजादी, किसी को एकदम समकालीन मसाइल पे ये अशआर चल रहे हैं, पीछे वाले हमारे जो परंपरागत ढंग से मुशायरा सुनते हैं उनसे दांत की उम्मीद है, आगे वालों से ताली की उम्मीद है। समाज फरमाया कि अब ये देखिए, ये लॉकडाउन में कुछ अशआर लिखे गए थे कि ऐसी गुर्बत है के भूखा कुनबा, ऐसी गुर्बत है, ऐसी गुर्बत है के भूखा कुनबा, कुछ भी कहने से पहले डर जाता है, ऐसी गुर्बत है के भूखा कुनबा, कुछ भी कहने से पहले डर जाता है कि चारने वाले बाट के वो मिस्कीनों को जाने कितनी तस्वीरें खिंचवाता है, चारने वाले बाट के वो मिस्कीनों को जाने कितनी तस्वीरें खिंचवाता है। और दो कथा मैं पेश करना चाहता हूँ उस हसास और संवेदनशील मुद्दे पे, शायर भी डर रहा होगा क्योंकि मीडिया की जरूरत उसे भी होती है, मैं पेश करता हूँ। तमाम फैसले टीवी पे जो सुनाते हैं ये उनसे कह दो अदालत में अदम होता है, तमाम फैसले टीवी में जो सुनाते हैं ये उनसे कह दो अदालत में अदम होता है, कि सितम तो ये है कि आंधी की सरपरस्ती में सदाकतों के चरागों का खत्म होता है, सितम तो ये है, सितम तो ये है कि आंधी की सरपरस्ती में सदाकतों के चरागों का कत्ल होता है। क्या कहना भाई, क्या क्या शेर सुना रहे हैं। और सर एक बहुत गुस्से में ये चार्मी शोर लिखा गया है, मैं उसको चाहता हूँ, पहली बार मैं पेश कर रहा हूँ बिहारी जी, लाइक चाहता हूँ कि सच्चाई तो दौलत की चकाचौंध में गुम है, सच्चाई तो दौलत की चकाचौंध में गुम है, खबरों का ये संसार भी मंडी की तरह है, सच्चाई तो दौलत की चकाचौंध में गुम है, खबरों का ये संसार भी मंडी की तरह है, कि मुजरा भी ये करता है तो सिक्कों की खनक में, मुजरा भी ये करता है तो सिक्कों की खनक में, सच पूछो तो ये मीडिया रंडी की तरह है।